अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज मैं आपको लेके चल रही हूँ मक्का सिटी। यहाँ पे जी शदीद तरीन तूफ़ानी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा शदीद तूफ़ान था। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। वीडियो एंड तक देखिएगा। आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको अस्सलाम वालेकुम। आज जी मक्के में देखें जी किस तरह से बारिश है, माशाल्लाह। ये देखें, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत हवा चल रही है। आज हम आपको अपने YouTube चैनल पे आपको हम देखें कितनी मज़ेदार चीज़ दिखा रहे हैं। ये जी मगरिब का टाइम होने वाला है, यहाँ पे मगरिब की अजान होने वाली है और हमने हरम के अंदर जाना है ना। 7-8 मिनट रहते हैं, हम चल रहे हैं हरम, फिर आपको हम दिखाते हैं आगे चल के। जमात खड़ी हो गई है, अब हम नमाज पढ़ के फिर वीडियो बनाते हैं। अच्छा जी, ये देखें, हमने मगरिब की नमाज़ अदा कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें सर, खुदा की रहमत देखें। अच्छा जी, ये हम मगरिब की नमाज पढ़ के बाहर आ गए। देखें कितना खूबसूरत मंजर है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को यहाँ पे ले आए, इसकी ज़ियारत नसीब कराए। इस कदर शदीद तूफ़ानी बारिश थी और माशाल्लाह आप रश चेक करें कि हरम में किस कदर रश है। अल्लाह ताला हम सब की भी हाज़िरी जो है नसीब करे, हम सबको भी बुलाए अपने घर पे और अल्लाह ताला हम सब की दुआएं हाजात को कबूल फरमाए। आई होप कि आज की वीडियो देख के आपको बहुत सुकून मिला होगा। अच्छा, जितने लोग भी हरम पहुँचते हैं नमाज के, एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान जो वक्फ़ा होता है, कुछ खाना पीना होता है या कुछ लेना होता है, तो या तो कुछ लोग वहीं बैठ के इबादत करते हैं या फिर कुछ लोग थोड़ा सा वेट करते हैं या कुछ खाने पीने के लिए, फिर मक्का मॉल में एंटर हो जाते हैं। ये जी हम अंदर आ गए, इसका सारा आपको विज़िट कराते हैं हम। कि जैसे ही अजान होती है, नमाज का टाइम होता है, तो फिर सारा मॉल बंद कर दिया जाता है, तो लेडीज़ और जेंट्स जहाँ पे, फिर यहाँ मॉल के अंदर भी सब नमाज अदा कर लेते हैं। तो बहुत मज़ा आता है कि जब नमाज के वक्त में सारा कारोबार, सारा कुछ रोक दिया जाता है और आप सिर्फ नमाज अल्लाह के हजूर हाज़िरी देने के लिए ठहर जाते हैं। ये बहुत खूबसूरत मंजर है। अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें हों कि नमाज हमारी कहीं ना हम छोड़ पाएँ। बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं आए, जिन्हें नहीं पता, तो यहाँ पे हर मॉल, हर दुकान नमाज के टाइम जो है वो हर चीज़ छोड़ के नमाज अदा करते हैं वहीं। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं ऊपर मक्का मॉल में। यहाँ सब खाने पीने का, होटल वगैरह सब कुछ, ये देखें। अच्छा, KFC भी है यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है यहाँ आके। ये देखें, 15 मिनट से चॉइस कर लेते हैं इसकी। ये तो सबकी फेवरेट,
देखें जी, ये बेकरी के आइटम। बिल्कुल फ्रेश। मेरी आने वाली वीडियोस जो है वो भी आप देखते रहिए। इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में आपको यहाँ की सस्ती शॉपिंग दिखाऊंगी कि आप कितनी सस्ती सस्ती चीज़ें जो हैं ले सकते हैं और क्वालिटी उनकी बहुत अच्छी होगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह। अच्छा, हरम में बहुत सारे लोग इस तरह भी करते हैं कि कहवा और खजूर जो है वो ले जाते हैं, ख़ुद भी पीते हैं और दूसरे जितने भी लोग आए हुए होते हैं उनसे शेयर करते हैं। तो ये भी इनका बहुत एक खूबसूरत एक इनके कल्चर का हिस्सा है। अच्छा जी, मक्का मॉल में ऊपर आके ये देखें, ये ऑफ़र लगी हुई है बैग, ये देखें कितने क्यूट हैं, ये देखें, जल्दी जल्दी आके ले लें आप, ये देखें, ये मैं आपको सब दिखा रहा हूँ, सब पे ऑफर लगी हुई है ना। आज का व्लॉग जी बड़ा स्पेशल था मेरे लिए, क्योंकि इतना एक तो मौसम तूफ़ानी और ऊपर से जो है हरम में आप नमाज़ पढ़ते हैं तो वो एक अलग ही मंज़र होता है। खैर, उसके अलावा हम आपको मक्का टावर लेके चले हैं। मक्का मॉल में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, यहाँ पे खाना पीना हर सामान आपको मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अगर आप लोगों का जो है आप लोगों ने गिफ्ट्स वगैरह लेके जाने हैं तो आप लोग कहीं और से शॉपिंग करें, यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। हाँ, अगर कुछ ऑफर जिस तरह आप लगी हुई हैं, कोई अच्छी डिस्काउंट चल रहे हैं तो फिर आप इजीली अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप लोग मक्का मॉल से शॉपिंग करने के बजाय कहीं और से करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो आपका जो है ना काफ़ी पैसे बच जाएंगे। इसी के साथ साथ ऐसा मौसम बहुत कम ही देखने को मिलता है मक्का में, लेकिन आज तो कोई तूफ़ान था और शदीद तरीन बारिश थी। मक्का मॉल में जी दुनिया जहाँ के ब्रांड्स आपको मिलेंगे, ब्रांडेड चीज़ें आपको मिलेंगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ से आपको ना मिले, तो आप बड़े आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इनके ट्रेडिशनल जो हैं वो चीज़ें भी आपको बहुत मिलेंगी, इनके वो ड्रेसेस हैं, इनके अबाया हैं, इनके कल्चर जो सारी चीज़ें हैं वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे शॉपिंग करने का, तो यहाँ की लोकल मार्केट भी एक्सपेंसिव है और ये बड़े जिस तरह मक्का मॉल है और इस तरह के, आप लोग जब भी शॉपिंग करें तो थोड़ा सा घूम फिर के करें, हर जगह देख लें कि जहाँ पे अच्छा डिस्काउंट लगा। स्पेशली जो लोग फिर उम्रे पे आते हैं उनके पास टाइम बहुत कम होता है, तो फिर उन वो बेचारे जहाँ से उन्हें समझ आती है वो शॉपिंग कर लेते हैं। अक्सर यहाँ से स्कार्फ और जो है परफ्यूम्स लेके चले जाते हैं लोग, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप गिफ्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी मैं आने वाली वीडियो में आपसे ज़रूर डिटेल शेयर करूँगी कहाँ से आप अच्छी और सस्ती शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, ये मक्का मॉल से हम वापस आके इशा की नमाज़ पढ़ी है हरम, और बारिश बिल्कुल रुक गई थी, ये देखें जी, अब देखें जी बारिश बिल्कुल रुक गई है ना, ये इशा पढ़ के हम हरम से बाहर निकल रहे हैं। बारिश तो इस तरह से रुकी है कि जैसे थोड़ी देर पहले बारिश थी ही नहीं, हालांकि बहुत तूफ़ानी बारिश थी, अच्छा खासा मौसम ख़राब था। लेकिन आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल पे बने रहिए ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।